मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है। इंडिया में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा, हुकाम का तबलीगी जमात पर वायरस के फैलाव का इल्जाम और मुकदमे का इंदराज। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में पिछले 8 माह से कदकनों और अफरा तफरी से 2-4 वादी के लोग कोरोना वायरस फैलने से दोहरे अजाब का शिकार है। और अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया का इंतबाह कि कोविड-19 से लाखों अमवात का खदशा मौजूद है, मरने वालों की तादाद 4,000 से भी तजावुज कर गई। इंडिया के दारुलहुकूमत दिल्ली में हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि तबलीगी जमात का सदर दफ्तर कोरोना वायरस के फैलने का हॉटस्पॉट बन गया है। इस महीने के वस्त में हज़ारों तबलीगी कारकुनों के एक इज्तिमा के बाद जमात के 100 से ज़्यादा कारकुन कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए हैं। सैकड़ों कारकुनों को वहाँ से निकालने के बाद तबलीगी मरकज़ को सील कर दिया गया है। इज्तिमा में शिरकत करने वाले कारकुनों को पूरे मुल्क में तलाश किया जा रहा है। इस दौरान 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। दिल्ली की बस्ती निजामुद्दीन में वाकई तबलीगी जमात का आलमी मरकज खाली हो चुका है। इमारत में जरासीम कुछ दवाएं छिड़की जा रही हैं और कंपाउंड को सील कर दिया गया है। सुबह 4 बजे तक ही अभियान चलाया गया है और इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के सिम्टम्स हैं। इस महीने के वस्त में यहाँ एक इज्तिमा के बाद हज़ारों तबलीगी कारकुन लॉकडाउन के बाद फंसे रह गए थे। इनमें से 100 से ज़्यादा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इनमें दिल्ली के भी मुतअद्दिद कारकुन शामिल हैं। इसमें से 24 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं ऑलरेडी और लगता है कुछ लोग और आएंगे। तबलीगी कारकुन मुल्क की कई रियासतों से आए थे, अब उन्हें तिब्बी जांच के लिए पूरे मुल्क में तलाश किया जा रहा है। इस दौरान मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1600 से तजावुज कर गई है। भारत में अभी तक टोटल 1637 कोविड-19 के कन्फर्म केसेज आए हैं और कल से आज तक में 386 दैट इज 386 नए पॉजिटिव केसेज आए हैं। टोटल 38 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अगर हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। अब तक 132 लोग जो कोविड-19 कन्फर्म केसेज थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। नए मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे को तबलीगी कारकुनों के केसेस से मंसूब किया जा रहा है। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। इंडिया में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, इसके बावजूद गुज़िश्ता 3 दिनों में नए मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। अभी ये वादे नहीं है कि यह तादाद कोरोना की टेस्टिंग में इजाफे की वजह से बढ़ती जा रही है या ये वायरस अब तेजी से फैल रहा है। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से बज़ेर स्काइप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है नामनिगार चिंकी सिन्हा। चिंकी, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तबलीगी जमात से वाबस्ता तमाम जो लोग थे, क्या अब उनको ट्रेस कर लिया गया है? ट्रेस करने की कोशिश सरकार कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आया है कि अभी हर स्टेट में पिछले 24 आवर्स में वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ आंकड़े सामने आए, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 23 लोग जो है उनको ट्रेस कर लिया गया है। कर्नाटका में 300 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 40 को उन्होंने ट्रेस कर लिया है। तमिलनाडु में आई थिंक उन लोगों ने 650 से ज्यादा लोगों को ट्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेस कर रहे हैं, बट अभी सारे जगह से पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि ये लोग काफी गांव वगैरह में गए हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं उनको कि उनके साथ जो लोग मिले थे उनको कह रहे हैं कि वो बाहर आए और वो बताएं कि उनको मतलब वो इन लोगों से मिले थे कि नहीं। तो आई थिंक इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। ठीक है। अच्छा चिंकी, ये जो इज्तिमा है, ये इंडिया में जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ उससे पहले हुआ था, तो फिर ये FIR किस वजह से कटी? जी, इसमें बहुत अलग अलग तरीके की राय आ रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने मार्च 12 को
एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लार्ज गैदरिंग अलाउ नहीं करेंगे वो, लेकिन उन लार्ज गैदरिंग में उन्होंने कहा था स्पोर्ट्स और एक दो चीजें और कही थी, बट रिलीजियस गैदरिंग नहीं कही थी। फिर 16 मार्च को उन्होंने जब ये दोबारा नोटिस जारी किया तो उसमें रिलीजियस गैदरिंग को कहा गया था। तबलीगी जमात का जो फंक्शन था वो 13 से 15 मार्च तक का था। सो इस वजह से काफी ओपिनियन तरीके चल रही है कि तबलीगी जमात जो है उन्होंने गलती तो करी थी, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ जो लोगों को बुलाया था वो थाईलैंड वगैरह के कंट्री से थे जहाँ पे ऑलरेडी कोरोना वायरस के केसेस आ चुके थे। बट ये जो नोटिस का जो मामला है 12 और 16 मार्च वाला, उसमें अभी भी थोड़े से लूपहोल्स हैं जिनको अभी डिबेट किया जा रहा है, क्योंकि 12 वाले मार्च के सर्कुलर आप ट्विटर पे देख सकते हो। सही, चिंकी मैं दरअसल आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि तबलीगी जमात वाले ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त के आसपास और भी गैदरिंग्स हुई थी, और भी इज्तिमात हुए थे, चाहे वो रिलीजियस हों चाहे ना हो, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है शायद उनके मजहब की वजह से। जी ऐसा भी कहने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद काफी गैदरिंग्स हुई थी। एक्चुअली एक में तो मैं ही इन्वाइटेड थी जो 16 मार्च को हुई थी, गौमूत्र पार्टी, जिसमें कि आई थिंक एक आदमी की तबीयत भी थोड़ी खराब हुई थी वो गौमूत्र पी के, तो ये भी एक गैदरिंग हुई थी 16 मार्च को। फिर 18 मार्च को आई थिंक तिरुपति में 17 मार्च को 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े थे। उसके बाद आज एक केस आया है किसी गुरुद्वारे में, काफी लोग जो है वहां से भी निकाले गए हैं, 200 से ज्यादा लोग। तो इस तरह की गैदरिंग आई थिंक पूरी मार्च चलती रही है, होली मोहल्ला पार्टी हुई थी पंजाब में, तो ये सारे केसेस भी हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है मीडिया में। और ये तबलीगी जमात का एक हैशटैग बना के आई थिंक वो उनको कह तो रहे, टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी मतलब जारी किया है। सही, दिल्ली से चिंकी सिन्हा, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक पेज पर आएँ, वहाँ आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज़िये और अहम ख़बरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारा हैंडल है @BBCUrdu। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हालात आलमी हालात से मुख्तलिफ तो नहीं, लेकिन पिछले 8 माह से कदखनों और अफरा तफरी से दो चार वादी के लोग कोरोना वायरस की वजह से दोहरे अजाब का शिकार हैं। जम्मू कश्मीर में फिलवक्त वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 50 से ज़्यादा है, जबकि 2 अफराद की मौत हो चुकी है, 15,000 अफराद करंतना में है। लेकिन गुज़श्ता 30 साल से मुसल्ला शोरिश को दबाने की फ़ौजी कार्रवाइयों, इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियों, सियासी अदम इस्तेहकाम और कई कदगनों के बीच कोरोना वायरस से बचाव का लॉकडाउन गोया कश्मीरियों के लिए पहले से मौजूद मसाइल के अंबार में मज़ीद इजाफा है। श्रीनगर से रियाज मसरूर। कोरोना वायरस के आलमगीर खौफ की वजह से पूरी दुनिया जिस तरह की सूरत हाल से जूझ रही है, कश्मीर उससे मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी 2 हफ्तों से लॉकडाउन है और आम जिंदगी मौतल है, लेकिन बाज़ पहलुओं के एतबार से कश्मीर जनूबी एशिया में जो कुछ सूरत हाल है उससे मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को नीम खुद मुख्तारी ख़त्म किए जाने के बाद जिस तरह का लॉकडाउन शुरू हुआ था उसमें अभी थोड़ा सा सुधार आया था, ज़िंदगी धीरे धीरे मामूल पर आ रही थी कि अचानक कोरोना वायरस से मुतलिक लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया। कश्मीर अभी भी तेज़ रफ्तार इंटरनेट का मुतालबा कर रहा है, क्योंकि तिब्बी अमले को कोरोना वायरस से निमटने के लिए दिफाई इकदामात में कई सारी कठिनाइयों का सामना है। तिब्बी अमले का कहना है कि हुकूमती हिंद की वजारत सेहत ने वेंटिलेटर्स की मैनेजमेंट के हवाले से जो ऑनलाइन वर्कशॉप किया था उसमें कश्मीरी डॉक्टर्स हिस्सा नहीं ले पाए। इसके साथ ही 16 लाख तलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन कोर्सेज का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन सुस्त रफ्तार इंटरनेट की वजह से वो भी मुमकिन नहीं हो सका। इसके अलावा साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती समेत सैकड़ों अफराद, तिजारती अंजुमनों के लीडर और समाजी कारकुन जेलों में हैं। उनकी रिहाई का भी एक बहुत बड़ा मसला है, और रजाकारों का कहना है कि जेलों में कोरोना वायरस से निमटने के लिए बेहतर इंतजाम नहीं हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। इसके साथ ही 2 ऐलान हैं, एक ऐलान का कश्मीरियों को इंतज़ार है और एक ऐलान जो हुआ है उससे कश्मीरी दम बखुद हैं। इंटरनेट की बहाली के ऐलान का तो इंतज़ार है, लेकिन इस बीच ऐलान हुआ है कि कश्मीर में दफ़ा 370 को हटाए जाने का जो कानून गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को नाफिज किया गया था उसकी एक शिक के तौर पे जो 10 साल से गैर कश्मीरी लोग यहाँ पर मुकीम हैं उन्हें बाकायदा शहरियत दी जाएगी। ज़ाहिर है कोरोना वायरस के खौफ और लॉकडाउन के इस माहौल में इस ऐलान के बारे में कोई रद्दअमल सामने नहीं आएगा। श्रीनगर से रियाज मसरूर। सरबीन में आगे चलकर देखिएगा,
कि सदर ट्रंप अमेरिका में कोरोना वायरस से लाखों अमवात की तंबीह जारी करने पर क्यों मजबूर हुए? बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में एक बार फिर खुशामदीद, मैं हूं आलिया नाज़की। अमरीका ने कहा है कि अंदाज़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से अमरीका में 1 से 2 लाख अमवात का खदशा है। इस वक्त मुल्क में वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 4,000 से तजावज़ कर चुकी है। वाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स की सरबराह के मुताबिक ये तादाद इतनी ज़्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि कुछ लोग अब भी वायरस से बचाव के तरीक़ों पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमारे साथ बज़रिए स्काइप बराह रास्त मौजूद हैं नामा निगार विनीत खरे। विनीत, सबसे पहले तो यही बताएं कि इस वक्त वहाँ सूरत हाल कितनी संगीन है। ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये करीब 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है और जिसने भी वो देखा है उसको लगा, मुझे भी लगा कि माहौल बिल्कुल सीरियस था। आई थिंक जो मैसेज देने की कल कोशिश की गई है प्रेसिडेंट ट्रंप से और इनके जो एडवाइजर्स हैं उनके, कि जिन लोगों को लग रहा था कि अमेरिका में इतने सारे लोग नहीं मर सकते हैं या फिर ये किसी प्रोफेसर ने कहीं कुछ सोच रहा है कि अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता, तो सीधे मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अमेरिका में ऐसा हो सकता है और ये बेस्ट केस सिनारियो है। यानी 1,00,000 से 2,40,000 तक लोग मर सकते हैं अगर लोग जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता है तो मरने वालों के जो नंबर्स हैं वो 11 लाख या फिर उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट थे बिल्कुल शॉक में थे और उनको ऐसा मतलब सवाल पूछे जा रहे थे कि इतने कम समय में इतने ज्यादा लोग मर सकते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट जो World War I और World War II में जो अमेरिकन लाखों मारे गए थे उससे कंपैरिजन यहाँ पर। विनीत, जो आपने 11 लाख का फिगर दिया, ये क्या वर्स्ट केस सिनेरियो यानी मुमकिन बदतरीन नतीजा वो है या फिर वाकई हालात इतने खराब हो गए हैं कि बात वहां तक पहुंच सकती है? देखिए, वो सिनेरियो है कि अगर कोई, जिस तरह कई इलाके हैं जिनका जिक्र किया आपने, वहां से अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं, जैसे फ्लोरिडा या फिर कई स्टेट्स हो गए यहाँ पर अभी भी लोगों से कहा नहीं गया है कि वो घरों पर रहें, तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो की तरह है कि अगर कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो है कि 1,00,000 से 2,40,000 लोगों की मुमकिन मौत हो सकती है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि लोग तैयार हैं इसके लिए। अच्छा, अब तक तो सदर ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका इस वबा से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्या आप कल की ब्रीफिंग के बाद जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली है और जो तैयारियां हैं उसमें कोई तब्दीली होती नजर आ रही है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये एलिगेशन लगता रहा है कि उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया है, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये डेमोक्रेट्स का एक होक्स है और फिर उन्होंने कहा था जैसे गर्मी आएगी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी या फिर इतने लोग नहीं मरेंगे। लेकिन अब जो जिस तरह की सिचुएशन है और रियल पॉसिबिलिटी लग रही है, तो अभी भी अमेरिका के जो वेरियस स्टेट्स हैं वहां से चीजों की कमी हो गई, जैसे ग्लव्स हो गए या फिर सैनिटाइजर्स की कमी हो गई या फिर मास्क की कमी हो गई, उनकी खबरें अभी भी आ रही है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे वेंटिलेटर्स की बात की जा रही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से क्योस किसी सर्टन लेवल का इस तरह का है कि जो कल न्यूयॉर्क के गवर्नर, उन्होंने कहा कि जो उनको वेंटिलेटर्स लेने के लिए ओपन मार्केट यानी अमरीका में कमी है तो अमरीका से बाहर जाकर उनको वो खरीदने पड़ रहे हैं और एक स्टेट जो है बाकी के स्टेट्स, बाकी के 49 स्टेट्स से उनसे कम्पीट कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो बाजार में अवेलेबिलिटी है उनके वेंटिलेटर्स दाम बढ़ रहे हैं और एक वेंटिलेटर्स को खरीदने के लिए $25,000 तक देने पड़ रहे हैं, उसके बाद चीजों की कमी है वो बरकरार है। जाहिर है हालात बहुत ही खराब है। वॉशिंगटन से विनीत खरे, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मिलेंगी, पता है bbc.com/urdu। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज किए गए इकदाम के बायस अशा खुर्दनी की किल्लत की शिकायत सामने आ रही है। हुकूमत का कहना है कि बाज़ इलाकों में ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र अब हुकाम ने हर ज़िले की सतह पर फूड सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी है ताकि खाने पीने की अशा की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजम। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदों की तवील बंदिश और इसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से बलूचिस्तान के सरहदी अजला में खुराकी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। बिलखसूस बलूचिस्तान के जो ईरान के साथ सरहदी अजला हैं उनके सरहदी इलाकों के लोगों के जो खुराकी अशिया था उनका बहुत सारा इनसार ईरान पर था।
اب ایران کے ساتھ سرحد کی بندش کے باعث ان علاقوں میں خوراک اور ایندھن کے حوالے سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. ناگور کپکپار ضلع کیچ میں ایک سرحدی علاقہ ہے, وہاں سے ایک شہری عبد المجید نے فون پر بتایا کہ ایران سے جو آٹا آتا تھا ان علاقوں میں اس کا 50 کلو 1800 روپے میں دستیاب تھا, لیکن اب سرحد کی بندش کے بعد جو پاکستانی آٹا ہے اس کا 20 کلو 1600 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے. سرحدی علاقوں کے علاوہ بہت سارے شہری علاقوں میں بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں, جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گوادر میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 30 ماہی گیروں کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ جو ماہی گیر تھے یہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے سمندر میں گئے تھے. ان کی گرفتاری کے خلاف جو وہاں ماہی گیر اتحاد کے جو عہدیدار ہیں وہ لوگ تھانے کے باہر جمع ہو گئے اور انہوں نے احتجاج کیا اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. دوسری جانب حکومت بلوچستان نے ہر ضلع کی بنیاد پہ فوڈ سیکورٹی کمیٹی قائم کی ہے. ان فوڈ سیکورٹی کمیٹیوں کا قیام کا مقصد یہ ہے کہ ہر ضلع میں جو خوراکی اشیاء ہے ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت بلوچستان نے سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کو ایک مراسلہ بھی بھیجا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ بلوچستان کے لیے جو مال بردار گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں سندھ اور پنجاب سے ان کے لیے حوالے سے نرمی کی جائے تاکہ وہاں گندم اور آٹے کی قلت کا مسئلہ پیدا نہ ہو. محمد کاظم, بی بی سی نیوز, کوئٹہ. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع انڈیا میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تھا. دلی میں حکام نے الزام لگایا ہے کہ تبلیغی جماعت کا صدر دفتر کرونا وائرس کے پھیلنے کا ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے. اس مہینے کے وسط میں ہزاروں تبلیغی کارکنوں کے ایک اجتماع کے بعد جماعت کے 100 سے زیادہ کارکن کرونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں. سینکڑوں کارکنوں کو وہاں سے نکالنے کے بعد تبلیغی مرکز کو سیل کر دیا گیا ہے. اجتماع میں شرکت کرنے والے کارکنوں کو پورے ملک میں تلاش کیا جا رہا ہے. اس دوران 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ ناز. آج سیربین میں اتنا ہی. آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/اردو دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے. Thank you.